यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, फिर भी जिसकी गांड जले वो बर्नॉल मले। अब सवाल ये आया, कुरान तो कहता है ज़मीन और आसमान एक थे, लेकिन आज साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि ज़मीन तो बिग बैंग के टाइम पर थी ही नहीं, ज़मीन तो बिलियंस ऑफ इयर्स बाद फॉर्म हुई है। बेस्ती है इसमें, आप लोग इसको डिफेंड नहीं कर सकते। चलो और आगे चलते हैं। क्या काफरों ने नहीं देखा कि हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया, जमीन और आसमान को हमने जुदा जुदा कर दिया, फिर हमने हर चीज को पानी से बना दिया। अब भी नहीं ये यकीन करते, नहीं अब भी नहीं करते ये क्या है, जमीन और आसमान जुदा जुदा कर दिया। जमीन तो थी ही नहीं, जमीन और आसमान कैसे जुदा जुदा कर दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसलेशंस पर अपना गेम प्ले करते हैं कुरान की। जो सबसे पॉपुलर व्हाट ओल्ड व्हाट एक्यूरेट ट्रांसलेशन है व्हाट सबसे पॉपुलर ओल्ड एक्यूरेट ट्रांसलेशन है वो है जमीन एंड आसमान एक टाइम पर वन सिंगल एंटिटी थे, यानी जमीन और आसमान थे ही नहीं और जो था वो वन सिंगल थिंग थी, वन सिंगल एंटिटी था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने उन्हें खोला। क्या काफर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि सारे आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया। क्या इन काफिरों ने ये नहीं देखा कि ये जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे और हमने इनको अलग किया है। क्या देखा नहीं लोगों ने, इन काफिरों ने, कि आसमान और जमीन जो है ये बंद थे, तो फतक ना हुआ, फिर हमने उनको खोल दिया। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्न समावाति वल अर्द कानत अरदकन फतक ना हुआ, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। एक टाइम पर वन सिंगल एंटिटी थे, यानी जमीन और आसमान थे ही नहीं और जो था वो वन सिंगल थिंग थी, वन सिंगल एंटिटी था। जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे, यानी जमीन और आसमान थे ही नहीं, जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे, यानी जमीन और आसमान थे ही नहीं। दिस लेजर, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। आके साइंटिस्ट से कहो कि क्यों वो कुरानिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बिग बैंग को डिस्क्राइब करते समय, क्यों? तो ये लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसलेशंस पर अपना गेम प्ले करते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसलेशंस पर अपना गेम प्ले करते हैं। और मलाइका सुनिए, मेरे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का गाना, वहीदुद्दीन खान साहब का गाना, वहीदुद्दीन खान साहब का उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन है, उन्होंने और उस उन्होंने मैंने भी खोला है, उन्होंने लिखा है कि जिस वही बात आई कि मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग ग्रेट अरेबिक ट्रांसलेटर से ज़्यादा जानते हैं क्या। चलो सबसे पॉपुलर ओल्ड एक्यूरेट ट्रांसलेशन है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का ग्रेट अरेबिक ट्रांसलेटर से ज्यादा जानते हैं क्या। चलो ये फंस गए। पॉपुलर ओल्ड एक्यूरेट ट्रांसलेशन है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का। अब तो सर बोल दे सॉरी के। Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing.